हेलो फ्रेंड्स, लेसन प्लान टू में आप सभी लोगों का स्वागत है। लेसन प्लान आज हम पार्ट टू मलेरिया के बारे में बात करेंगे। अभी हम मैंने मेरा पार्ट वन लेक्चर में कवर किया मैंने लेसन प्लान, और अब इस पार्ट में हम कवर करेंगे लाइफ साइकिल, सिम्टम एंड प्रिवेंशन, जो चार्ट के मदद से आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्लाज्मोडियम होता है वो दो होस्ट पर डिपेंड करता है, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। ये साइकिल हमारा ह्यूमन में चलता है, ये साइकिल हमारा मॉस्किटो में चलता है। अब समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। When the mosquito bite another human, sporozoid are injected with bite. जब कोई मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर स्पोरोजॉइट हमारे ब्लड में आ जाते हैं। ये देखिए, ये बाइट किया मच्छर ने। पैरासाइट स्पोरोजॉइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब ये पैरासाइट ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचते हैं, ठीक है, लीवर। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। ये पैरासाइट जिसे स्पोरोजॉइट कहते हैं, ये लीवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और लीवर सेल को तोड़ देते हैं। ये देखिए, ये लीवर सेल टूट गया है, जिससे ये पैरासाइट हमारे ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, बस्टिंग द आरबीसी एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, रिलीज इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। अब जो पैरासाइट ब्लड में रिलीज हुए हैं वो आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और हीमोजॉइन सिक्रेट करते हैं, जिससे हमें चिल, फीवर, हेडेक एट्सेट्रा जैसे सिम्टम आते हैं। उसके बाद कुछ आरबीसी पर अटैक करने के बाद ये सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट में डेवलप हो जाते हैं, जिसे गैमेटोसाइट कहते हैं। गैमेटोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक फीमेल एक मेल होता है। फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। अब जब कोई फीमेल मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, ये देखिए यहाँ बाइट करती है तो गैमेटोसाइट हमारे ब्लड के थ्रू मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं और मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होने लगता है। मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजॉइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट सलाइवरी ग्लैंड। अब स्पोरोजॉइट गट से रिलीज होकर सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं, और इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो गए, और इसके बाद जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिला मॉस्किटो किसी ह्यूमन को काटती है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर जो होता है स्पोरोजॉइट, वो ब्लड में आ जाता है और ये साइकिल चलती रहती है और इससे मलेरिया हमें हो जाता है, साइन सिम्टम्स शो करने लगते हैं। तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हम बात करते हैं सिम्टम की। सिम्टम ये देखिए, लीफलेट बनाया मैंने। तो मलेरिया का सिम्टम देखिए, ब्लडी स्टूल, हमारे स्टूल में ब्लड आने लगेगा। चिल एंड स्वेटिंग, बहुत ठंडी, कपकपाहट जैसे ठंडी होगी और स्वेटिंग होने लगेगी। ड्राई कफ, जो कफ हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमारा कफ लंग्स में बनता है वो एकदम ड्राई होगा, जल्दी बाहर ही नहीं आएगा। एंड स्प्लीन इनलार्ज, जो हमारा स्प्लीन होता है वो नॉर्मल साइज से बढ़ जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा उसका। एंड हेडेक, तो क्लियर नहीं है ये हेडेक लिखा हुआ है। हेडेक होगा।
of fatigue. Fatigue of acute. नेक्स्ट बात करते हैं नाउजिया. नाउजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, ये तीनों एक साथ शो होंगे. आप भी ऐसा लीफलेट बना सकते हैं जिससे आपका जो लेक्चर वो अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे. और ये सब बनाने में जो हमारा जो कॉलेज में प्रेजेंटेशन होता है उनमें अच्छे मार्क्स भी आते हैं और टीचर भी खुश रहते हैं कि बच्चे ने कुछ काम किया है. नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया के. ये देखिए मलेरिया मच्छर, मच्छर नहीं है ये, मलेरिया काज करता है. तो अब देखिए प्रिवेंशन में क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं. प्रिवेंशन में यूज मास्क, यूटर नेट, ये सबसे इजीली होता है, कोई नुकसान भी नहीं होता है. केमिकल अगर हम यूज़ करते हैं तो केमिकल हमारी बॉडी को भी इन्फेक्ट करता है, नुकसान करता है. मास्किटो नेट का यूज़ करेंगे और मास्किटो रिपेलेंट का यूज़ करते हैं जिससे जो मच्छर हैं वो भाग जाएं, पास में ना आए. छिड़काव कर सकते हैं रूम में, बाहर, घर के बाहर. लॉन्ग वियर स्लीव क्लॉथिंग, पूरी बाह के कपड़े पहनने चाहिए. शर्ट पैंट एकदम फुल होना चाहिए जिससे मच्छर हमें ज़्यादा इंजेक्ट ना कर सके. कीप होम क्लीन, घर को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे गंदगी ना हो, कहीं पानी ना रुके. और भी होते हैं जैसे कहीं गड्ढे हों, गड्ढे में पानी ना रुके. कहीं टायर होते हैं, बारिश के पानी टायरों में जमा हो जाते हैं, नारियल खोल में जमा हो जाते हैं, फ्रिज में, कूलर में, जो कूलर की है, जो कूलर में पानी होता है उसको बीच बीच में साफ होना चाहिए. फ्रेश पानी भरना चाहिए और गंदगी नहीं रहनी चाहिए हमारे आसपास में. तो ये ऐसे आप बना सकते हैं. ये पंपलेट था हमारा मलेरिया का और ये हमारा लीफलेट सिम्टम के लिए है. आप किसी कोई भी बना सकते हैं, कोई उन्हें कि पंपलेट में प्रिवेंशन ही हो, साइन सिम्टम कॉजेज भी उसमें हो सकते हैं. तो सेकंड पार्ट हमारा ख़त्म हो रहा है. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करिए. और भी हम आपको असाइनमेंट और भी जल्दी प्रोवाइड करेंगे. इसमें थोड़ा काम चला है असाइनमेंट पे, तो जल्दी ही आपके लिए असाइनमेंट लेके आएंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.